दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं शर्मा सिटी के कंपनी का एंट्रो कैप्सूल के बारे में। ये बहुत ही ज़बरदस्त फायदा देता है डायरिया और डिसेंट्री में। इसको आप आज जानेंगे कैसे लेना है और इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों पहले समझिए डिसेंट्री और डायरिया क्या होता है। अतिसार या डायरिया, अतिसार या डायरिया में बार बार मल त्याग करना पड़ता है या मल बहुत ही पतला होते हैं या दोनों ही स्थितियां हो सकती है। पतले दोस्त जिनमें जल का भाग अधिक होता है, थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं। डायरिया का क्या लक्षण है? डायरिया मुख्य रूप से वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। लगातार मल त्याग करना, लूज स्टूल, मोटली पेट में ऐंठन और डिहाइड्रेशन इसके मुख्य लक्षण है। डायरिया होने से क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा चीनी, नमक वाला पानी पिए, सही खाना खाने से तुरंत आराम मिलता है। डायरिया के दौरान कम फाइबर वाला खाना खाइए। खिचड़ी, दलिया, चिकन सूप जैसी चीज़ खाइए जो आसानी से पच जाए। डायरिया में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपको दस्त हो रही है तो खाने में ज़्यादा फाइबर से भरपूर चीज़, ज़्यादा मसालेदार भोजन, ज़्यादा ऑयली और मीठी चीज़ नहीं खाना चाहिए। इसमें डायरिया की समस्या कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। गर्मी के दिन में खान पान में लापरवाही आपका सेहत पर भारी पड़ सकता है। ऐसे मौसम में खाना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। ये था डायरिया का कुछ नियम और उसको हम सब मानना चाहिए। एक आज आप लोग को एंट्रो कैप्सूल के बारे में जो बोला था, ये कैप्सूल बेंस फार्मास्यूटिकल ने बनाए हैं डायरिया, एमोरेटिक डिसेंट्री और ब्लड डिसेंट्री। इसको आप कैसे लेना है? जब आपका डायरिया या डिसेंट्री दोनों ही सॉल्व है कोई बात नहीं। इसका आप इनमें एक कैप्सूल शाम को लेने से आपका डायरिया तुरंत में राहत मिलता है। डायरिया में इसका कंपोजिशन बोलने के लिए है, ये आयपना, जीरा, रोधनी, जायफल, कुर्सी, मुठ्ठा, बेलसू, जामुन साल, कर्पूर, सोडियम बेंजोएट, ये सब इसका कंपोजिशन है। छोटे मोटे डिसेंट्री और डायरिया में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिसेंट्री बहुत ही कठिनाई में चले जाए तो आप डॉक्टर के साथ इसका इलाज लेना पड़ेगा। नहीं तो इसमें कोई कोई पेशेंट को मौत भी हो सकता है। तो आप कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से पहले सलाह लेना और उसके बाद ही आप डायरिया और एमोबिक डिसेंट्री एक बहुत ही खतरनाक बीमार है। ऐसे में आपका कुछ लापरवाही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बीमार बढ़ते जाएगी। जितना हो सके खाना में हल्का फुल्का खाना चाहिए और जो खाना फाइबर होता है वो खाना नहीं खाना चाहिए। वो खाना खाने से आपको दोस्त कैप्सूल जो आप को भी लेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये कितना ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। ये एंट्रो कैप्सूल होता है, ये एक स्ट्रिप में सही कैप्सूल होता है। इसमें आपको बहुत ही फायदा है और काफ़ी सारे
लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आज के लिए एम्फो कैप्सूल के बारे में इतना ही बोलो। लास्ट में मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और शेयर बटन कमेंट शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ आपको जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।